मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टिकरण क्विट इंडिया। इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। नौ अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़, क्विट इंडिया का नारा दिया था। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया। माननीय लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार परिवारवाद और तुष्टिकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनोरथ संतान भी होता है, और तुष्टिकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये तीन नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार परिवारवाद और तुष्टिकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है, और तुष्टिकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टिकरण क्विट इंडिया। इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। माननीय अगर भ्रष्टाचार परिवारवाद और तुष्टिकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मिति 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। सर जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्षरती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।